अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आपका ढेर सारा वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपसे बॉडी लग्जरीज के नैनो वाइट फेशियल सनस्क्रीन का रिव्यू करने वाला हूं। मैंने अपने चैनल पर बॉडी लग्जरीज के टिंटेड सनस्क्रीन का भी रिव्यू किया हुआ है। ये दोनों सनस्क्रीन मैंने खुद यूज़ किए हुए हैं। ये बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन है, ठीक है ना। ये जो नैनो फेशियल सनस्क्रीन है ना, इसका बॉडी लग्जरीज का नैनो वाइट सनस्क्रीन, ठीक है ना, ये स्पेशली जो है ना वो ऑयली स्किन के लिए बनाया गया है। और अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, अगर आप अपनी रंगत को निखारना चाहते हैं, आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनको भी रिड्यूस करने का काम करता है। ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, ठीक है ना, बॉडी लग्जरी का नैनो वाइट फेशियल सनस्क्रीन, ठीक है ना। ये जो सनस्क्रीन है ना, ये इसके अंदर हल्का सा टिंट है, ठीक है ना। जो दूसरा इसका टिंटेड सनस्क्रीन है ना, उसमें भी इतना टिंट नहीं है, लेकिन उसमें जैसे उन्होंने लिख दिया है ना उस पर टिंटेड सनस्क्रीन, उस पर इतना टिंट नहीं है, टिंट थोड़ा ही है, पीच सा टिंट है हल्का सा, ठीक है ना। ज़्यादा जो है ना वो बेस टाइप वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपके फेस पर ग्लो बहुत ज़्यादा आएगा उससे, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो जब आपको ऑयल आता है ना, तो जगह जगह पैचेस बन जाते हैं, जब इकट्ठा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। ये जो सनस्क्रीन है ना, इसके बॉडी लग्जरीज के, ये इकट्ठे नहीं होंगे आपके फेस पर। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है ना, तो ये बहुत अच्छे सनस्क्रीन है। मुझे जो है ना वो एक न्यूट्रोजिना का सनब्लॉक पसंद आया था, एक वाईसी का था। वाईसी वालों से तो फॉर्मुलेशन ख़राब हो गई, और बाद में जब मैंने ये वाला सनस्क्रीन यूज़ किया ना, तो वो दोनों से मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। एक तो ये है कि आपको कोई बेस वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप कोई जॉब वगैरह पर जाते हो ना, तो आपको कोई बेस नहीं लगानी पड़ेगी, और आपकी स्किन पर ऐसा ग्लो आएगा, आपके फेस के इम्परफेक्शन छुप जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, आप ज़रूर मेरी रिकमेंडेशन पर ज़रूर आपने यूज़ करना है, ठीक है ना। तो पहले जान लेते हैं कि सनस्क्रीन लगाना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है ना। गाइस, सन से तीन तरह की यूवी रेज आती हैं, यूवी ए रेस, यूवी बी रेस और यूवी सी रेस। जो यूवी सी रेस होती है ना, वो अर्थ के एटमोसफेयर से ऊपर ही ब्लॉक हो जाती है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। जो दो हार्मफुल रेस हमारे तक पहुंचती है ना, उनमें यूवी ए रेस होती है और यूवी बी रेस होती है। जो यूवी ए रेस होती है ना, वो लॉन्ग रेस होती है, वो घर के अंदर भी आती है, ठीक है ना। वो हमारी स्किन को अंदर से जाके डैमेज करती है, हमारे सेल्स को, ठीक है ना, सेल्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमें प्री मच्योर एजिंग आना शुरू हो जाती है, रिंकल्स, फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो रेज है ना, घर के अंदर भी आती है, ठीक है ना। और जो यूवी बी रेज होती है ना, वो शॉर्ट रेज होती है, इसकी वजह से हमारी स्किन पर टैनिंग होती है, हमारी स्किन डल होती है, हमारी स्किन डैमेज होती है, हमारी स्किन पर सनबर्न होता है, ठीक है ना। तो सनस्क्रीन जो है ना, वो घर के अंदर भी लगाना है, बाहर जा रहे हैं फिर तो डेफिनेटली आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी सनस्क्रीन के ऊपर जो है ना एसपीएफ फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो कितनी देर तक आपको, एसपीएफ फैक्टर का ये मतलब होता है कि वो कितनी देर तक आपको यूवी बी रेज से प्रोटेक्ट रखेगा। और पीए आपने देखा होगा, पीए या प्लस प्लस साइन मेंशन्ड होते हैं सनस्क्रीन के ऊपर, उसका मतलब होता है कि वो आपको कितनी देर तक यूवी ए रेज से प्रोटेक्ट रखेगा। तो इसके अंदर जो है ना वो SPF 50 है, ठीक है ना। तो ये आपको जो है ना वो 3 से 4 घंटे सन की जो यूवी बी रेस है उससे प्रोटेक्ट रखेगा, और प्लस प्लस साइन मेंशन है आगे, तो ये आपको यूवी ए रेस से 3 से 4 घंटे तक प्रोटेक्ट रख सकता है। तो ये सनस्क्रीन जो है ना, वो आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। आपकी नैनो वाइट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी रंगत को निखारने की, क्योंकि ये मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है, तो आपकी रंगत को निखारेगा, आपकी ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पिगमेंटेशन को कम करेगा, डार्क स्पॉट्स हैं तो उसको कम करेगा। ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, ठीक है ना। इसकी MRP जो है ना वो 650 है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है ना वो 75 ml है, 75 ml है। पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, और इसका अगर आपको टिंटेड वाला मिलता है वो ले लें, ये वाला मिलता है नैनो वाइट वाला ये ले लें। ये स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है ज़्यादा, तो आप ये वाला यूज़ करें, ये बहुत ही अच्छे सनस्क्रीन है, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने स्किन केयर से रिलेटेड
बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल पर। आपको अगर किसी चीज़ की समय नहीं लगती, आपको किसी स्किन के मॉलिक्यूल की समय नहीं लगती, आपने अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, आपको समझ नहीं लग रही प्रोडक्ट की, नेशनल इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आप मुझे ज़रूर DM करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।